गोवेंट बंगलोज में रहने वाले सियासी लीडरान के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी जिसमें ये डिमांड की गई थी कि इन 48 पॉलिटिकल लीडर्स के गोवेंट बंगलोज खाली करवाए जाएं। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की एक डिवीज़न बेंच के सामने ये केस है और अब जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने स्टेट डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शंस दी हैं कि वो इन लीडर्स की एक लिस्ट जो है हमारे सामने पेश करें और ये बताएं कि क्या इन लीडर्स के पास अपना जाती मकान है या नहीं है, अपनी जाती प्रॉपर्टी है या नहीं है। और आपको बता दें कि इस केस को लेकर स्टेट डिपार्टमेंट ने पहले से ही यानी 28 मार्च को इसी साल एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी जिसमें स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से 48 लीडर्स के नाम दिए गए थे। इन 48 लीडरान में से 23 लीडरान जो हैं वो जम्मू के हैं और 25 लीडरान जो हैं वो कश्मीर के हैं। इस केस की हियरिंग के दौरान एडवोकेट शेख शकील, जो एक पेटिशनर के बिहाफ पर केस लड़ रहे हैं, उन्होंने बेंच से ये कहा कि रूल 5 ऑफ द स्टेट रेगुलेशन 2004, इसमें ये क्लियर बताया गया है कि वो लोग गोवेंट एकोमोडेशन नहीं रख सकते जिनके पास अपनी जाती प्रॉपर्टी हो, जिनके पास अपना जाती मकान हो। और इसमें साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इन लोगों को चाहिए कि आप ये लोग जो हैं जल्द अज जल्द गोवेंट एकोमोडेशन को खाली करें, इन गोवेंट बंगलोज को खाली करें। और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि 48 लीडरान के नाम इससे पहले स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से लिस्ट किए गए थे जिनमें से बहुत से लीडरान के पास अपने जाती मकानात हैं जम्मू में भी और कश्मीर में भी, लेकिन ये लोग जो हैं गोवेंट एकोमोडेशन के मुस्तहिक नहीं हैं, ये जो हैं गोवेंट एकोमोडेशन के अहल नहीं हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने गोवेंट बंगलोज पर अपना कब्जा जमा रखा है और गोवेंट बंगलोज में ये बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि एडवोकेट शेख शकील अहमद ने ये भी कहा कि जब जम्मू और कश्मीर में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का खात्मा हुआ था, यानी 2018 में जब यहाँ पर सरकार टूट गई थी, जो पीडीपी और बीजेपी की कोलिशन गवर्नमेंट थी उसका खात्मा हुआ था, उसके बाद से लेकर अभी तक जो है डिपार्टमेंट ने 200 लीडरान के बंगलोज और क्वार्टर्स जो हैं वो वापस ले लिए हैं, जिनमें फार्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी मौजूद हैं। लेकिन एडवोकेट शेख शकील अहमद ने यह कहा कि अभी तक इन 48 लीडरान ने अपने गवर्नमेंट बंगलो खाली नहीं किए। उनने ये भी कहा कि इससे पहले भी हाईकोर्ट की जानिब से स्टेट डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि इन 48 लीडरान के नाम जो है नोटिस इशू किया जाए और ये पता लगाया जाए, इनसे ये इंफॉर्मेशन ली जाए कि क्या इनके पास अपना जाती मकान है, क्या इनके पास अपनी प्रॉपर्टी है या नहीं है। और इन्हें जो है 3 दिन का वक्त भी दिया गया था, इन लीडरान को 3 दिन का वक्त दिया गया था कि आप हमें 3 दिन में ये बताइए कि आपके पास अपनी प्रॉपर्टी है या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ खास पेशे रिफ्त इसमें देखने को नहीं मिली। और उसके बाद आपको बता दें कि एडवोकेट शेख शकील अहमद ने यह भी कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से इस मामले को सुलझाने में ताखीर की जा रही है, इससे डिले किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि एडवोकेट मुजफ्फर खान का ये कहना है कि फार्मर फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल रहीम रैथर, जिन्होंने गवर्नमेंट बंगलों को खाली कर दिया है, लेकिन जो स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से लिस्ट पेश की गई है, इस लिस्ट में अभी भी अब्दुल रहीम रैथर का नाम जो है वो मेंशन किया गया है। और आपको बता दें कि इस सारे मामले को सुनने के बाद इस डिवीज़न बेंच ने स्टेट डिपार्टमेंट को ये हिदायत दी है, ये डायरेक्शंस दी हैं कि आप इस पूरी सूरत हाल के बारे में अपनी क्लैरिफिकेशन दीजिए कि आखिर क्यों इन 48 लीडरान ने अभी तक जम्मू और कश्मीर में गोवेंट बंगलो खाली नहीं किए, क्यों इन्होंने गोवेंट बंगलोज पर कब्जा जमाया हुआ है। इससे पहले भी हमने इन 48 लीडरान के नाम भी आप तक पहुँचाए थे और पूरी जानकारी आप तक पहुँचाई थी कि हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच के सामने जो ये केस इस वक्त रखा गया है, इस केस के मामले में क्या कुछ मजीद निकल कर सामने आता है और क्या ये 48 लीडरान अपने ये बंगलोज खाली करते हैं या नहीं करते हैं, या स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से इन पर
कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती है या नहीं लाई जाती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंगलोज हैं जो स्टेट डिपार्टमेंट ने ज़बरदस्ती भी खाली करवाए, लेकिन ये 48 लीडरान इनके बंगले जो हैं अभी तक खाली क्यों नहीं करवाए जा रहे? ये भी गवर्नमेंट बंगलोज हैं, ये अभी तक खाली क्यों नहीं करवाए जा रहे? क्या इन 48 सियासी लीडरान की पहुँच इतनी ज़्यादा है कि स्टेट डिपार्टमेंट इन सियासी लीडरान के सामने टिक नहीं पा रहा, इनके गवर्नमेंट बंगलोज खाली नहीं करवा पा रहा? बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या इन 48 सियासी लीडरान के गवर्नमेंट बंगलोज भी खाली करवाए जाते हैं या नहीं।